जलदा रहे हैं चुलबुल पांडे। वेल वेल वेल, सलमान खान की फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे फैंस के लिए ऐसी धाकड़ न्यूज सामने आई है कि आप सभी खुशी के मारे झूम उठने वाले हैं। अब बात ही कुछ ऐसी है। दरअसल अरबाज खान ने बता दिया है कि आखिर दबंग 4 कब बनेगी और बनकर कब तक रिलीज होगी। जी हाँ, सलमान खान एक बार फिर से चुलबुल पांडे बनकर लौट रहे हैं और इसकी कंफर्मेशन हाल ही में अरबाज खान ने अपने रीसेंट इंटरव्यू के दौरान दी है। पिंक विला के साथ एक इंटरव्यू में अरबाज खान ने दबंग 4 के बारे में बात करते हुए कहा कि फिल्म दबंग 4 पाइपलाइन में है, लेकिन सलमान खान और उन्हें अपने पहले प्रोजेक्ट्स को पूरा करके फ्री होना होगा। अरबाज खान ने कहा कि दबंग 3 और दबंग 4 के बीच उतना लंबा समय नहीं होगा जितना दबंग 2 और दबंग 3 के बीच में था। उन्होंने कहा कि एक बार जब सलमान खान और वो दूसरे अपने प्रोजेक्ट्स खत्म कर लेंगे तो वो खुद इस पर काम करेंगे। ये प्रोजेक्ट दोनों के लिए ही बहुत करीबी है, इसलिए वो अकेले इस पर फैसला नहीं ले सकते हैं। दोनों को मिलकर इस पर काम करना है। अरबाज खान ने आगे ये भी कहा कि दबंग 4 एक ऐसी चीज है जिसे वो बहुत प्यार, दिल और मेहनत के साथ करना चाहते हैं। वो इसका भी ध्यान रखते हैं कि दर्शक इससे क्या उम्मीद करते हैं। वहीं बात करें सलमान खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, तो दबंग खान जल्द ही फिल्म किसी का भाई किसी की जान में नजर आएंगे। इसके अलावा सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 भी आने वाली है। इतना ही नहीं, सलमान टाइगर 3 के अलावा शाहरुख खान की फिल्म पठान में कैमियो करते हुए भी नजर आने वाले हैं और इस फिल्म के जरिए पठान और टाइगर यूनिवर्स को आपस में लिंक किया जाएगा, जो कि शाहरुख और सलमान के फैंस के लिए किसी भी ट्वीट से कम साबित नहीं होने वाला है। वो बात अलग है कि सलमान के हार्डकोर फैंस को दबंग की चौथी किश्त का भी तोहफा मिल चुका है। वैसे आप लोग सलमान को दबंग 4 में देखने के लिए कितने ज्यादा बेसब्र हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ये बिल्कुल ना भूलिएगा।